हाय, दिस इज डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बोल इंडिया। अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। अब सच देखेगा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू बोल इंडिया न्यूज में मैं श्रुति आपके साथ हूँ और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे जर्नी की। तो हमारे ऑरेंज सिटी नागपुर में कुछ दिनों पहले एक मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ द नेशन 2022 हुआ था, जिसमें काफ़ी ब्यूटीफुल से क्वींस वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया है। तो आइए आज अगर हम बात करने जाए तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे श्वेता जी से, श्वेता देशमुख से, जो हमारी मिसेस क्वीन ऑफ द नेशन 2022 विनर ऑफ द डे हो चुकी है। तो हेलो मैम। हेलो। आपने ये मिसेस क्वीन ऑफ द नेशन 2022 जो किताब जीता है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये ताज जो मेरे सर पे आया है, मुझे क्वीन जैसा ही फील हो रहा है। बहुत अच्छा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, स्पीचलेस हो गई हूँ। मतलब ये जब पहनती हूँ तो मेरी मतलब बोलती बंद हो जाती है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ वो उसको सर पे रख के कि कुछ समझता नहीं क्या बात कर। अच्छा, तो आप साइकोलॉजिस्ट है ना? हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो फिर आपने ये सब कैसे मैनेज कर लिया, मीन्स बोथ ऑफ दी आपने कैसे मैनेज किया है ये सब? मैम, पहले तो सबसे पहले मेरे फैमिली का सपोर्ट, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है ये सब के लिए। मतलब मुझे कहीं बाहर जाना होता है, मुझे मेरी डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तो मेरे हस्बैंड बच्चों को संभाल लेते थे, उनका क्लास ट्यूशन जो भी है वो सब मैनेज कर लेते थे, उसकी वजह से मैं ये सब कर पाई हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस मीन्स आपके फैमिली ने, आपके बच्चों ने बढ़ाया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, स्पेशली मेरे दोनों बच्चों ने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट किया है। उन्होंने मुझे बोला कि तू ये कर, तू जा इसके लिए। मैंने एक बार मिसेस महाराष्ट्र के लिए भी ट्राई किया था, बट कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो बट फिर भी मुझे वो बोलते थे कि अब तो तू जा, एक बार तो करके देख, मम्मा तू कर सकती है, तू जीत गई तो हमें कितना अच्छा लगेगा, हम मिसेस इंडिया के बच्चे। तो वो एक था कि उनकी वजह से और उनमें मतलब वो जो मुझे बोलते थे उसकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। और वो ही एक उनका था, मतलब बच्चों का मोटिवेशन ही मुझे आज ये ताज पहनाया है और इसकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। मतलब एक ज़िद थी कि नहीं, बच्चों ने बोला है तो बच्चों के लिए करके दिखाना है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होना है। तो आज अगर मैं हार गई तो मैं बच्चों को क्या मतलब सिखाऊंगी और क्या ये करूंगी, इसलिए मैं एक पूरे फुल मोटिवेशन के साथ, पूरे तैयारी के साथ ये पेजेंट में गई थी। ओके, तो आपने जब ये शो पार्टिसिपेट किया तब आपको मीन्स कैसा फील हो रहा था वहाँ जाके, वहाँ जब आपने पूरी सिचुएशन देखी एंड ऑल, और कैसा लगा आप? मैम, वहाँ पे तो मेरे लिए काफ़ी टफ कंपटीशन था। मतलब सारे इंडिया से ही लोग आए थे, जैसे कोई इंदौर से था, रायपुर से थे, चंद्रपुर, सारे अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए थे। तो मेरे लिए मतलब वहाँ जाके तो थोड़ा मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, बट फिर भी मतलब मैं सोचती थी बच्चों के बारे में कि नहीं, उन्होंने बोला है मुझे करना ही है, मुझे करके दिखाना है। और एक फैमिली मेरे लिए इतना सपोर्ट कर रही थी, तो उसके पीछे भी मुझे था कि मतलब ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए फिर मैं पूरे मतलब जो भी थे, काफ़ी राउंड्स थे उसमें, टैलेंट राउंड था, फिटनेस राउंड, मैंने मेरा 100% दिया है, तभी जाके ये मतलब आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये सब कर सक रही हूँ। ओके, तो और नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जब ये हमारे अमन वर्मा और हमारी जो महिमा चौधरी जो आई थी, तो उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट? तो आपको कैसा फील हुआ था और उनके क्वेश्चंस को आप मीन्स उनके क्वेश्चंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल महिमा जी ने तो हमें सबटाइटल ही दिया, मतलब उनके हाथों से हमारा सबटाइटल क्राउनिंग हुआ था। उन्होंने ऐसे कुछ पूछा नहीं, बट वो एक मतलब उन्होंने मोटिवेट ही किया था हम लोगों को, जैसे कि मुझे बेस्ट पर्सनालिटी क्वीन का मिला है सबटाइटल, और ये भी एक सबटाइटल में मेन टाइटल होता है। आज मतलब जो पर्सनालिटी हमारी है वो हम किस तरह से मतलब सबके साथ फेस कर रहे हैं, सबको कैसे सबसे बात करना, सबके साथ का बिहेवियर, वो सब पूरा उन्होंने ऑब्जर्व करके ही मतलब ये सब ये टाइटल दिया है।
और अमन वर्मा जी ने तो क्वेश्चन नहीं किए थे, वो एक होस्ट थे, एंकर थे, बट जो भी थे क्वेश्चंस हमें जूरी ने किए थे और बाकी भी मतलब सारे टाइटल जो राउंड्स हुए उसमें अलग अलग जूरी आई थी, जैसे फिटनेस में हमारे एवीज जिम फिटनेस से आए थे और डाइटिशियन थी एक अलग मैम, फिर ग्रूमिंग सेशन हुआ हमारा, मेकअप सेशन, सब अलग अलग जूरीज थे, उन्होंने अपने अपने अलग इससे हमको मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ सपोर्ट नहीं, उन्होंने हमको जज किया, उन्होंने वो हिसाब से हमको मार्क्स डाले उसके, मतलब पूरा टोटल जो हमारे 7 राउंड हुए उसके पूरा उसका जो टोटल निकला उसके बाद ही हम विनर हुए हैं, मतलब हमें सारे जो राउंड्स थे उसमें हमने हमारा 100% दिया, उसके बाद ही उसका जजमेंट हुआ है। ओके तो हमारे जो श्वेता जी है ये फर्स्ट विनर ऑफ द नेशन, क्वीन ऑफ द नेशन, फर्स्ट इन्होंने हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो कैसा होता है ना कि काफ़ी बार हम सेकंड या थर्ड आते हैं या फर्स्ट आते हैं तो, बट लेकिन वो फर्स्ट वाली जो फीलिंग होती है वो कैसी है वो हम जानते हैं, आइए। फर्स्ट वाली फीलिंग तो मैम बहुत ही मतलब मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली होती है, जैसे पहले हमारे 3 रनर अप्स के नाम अनाउंस हुए, फिर लास्ट में हम लोग सिर्फ 3 ही बचे थे और वो 3 में फिर ऐसा था कि किसका नाम आएगा, वो पूरे बटरफ्लाइज स्टमक में आ रहे थे कि अब क्या होगा, मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, पर जैसे ही अमन वर्मा जी ने मेरा नाम अनाउंस किया तो मैं पूरे 7वें आसमान में थी और फर्स्ट मतलब मुझे ऐसा था कि मैं मतलब फूले नहीं समा पा रही थी, मैं क्या करूँ और क्या नहीं, मतलब एक तो एक इमेजिनेशन से बाहर था कि मैंने ये कर चुकी हूँ और मुझे ये ताज मिला है, तो वो फीलिंग मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी। और एक अगर मैं पूछना चाहूँगी कि आपको मीन्स जब वो थर्ड एंड सेकंड जब उन्होंने अनाउंस किया था तब आपको लगा था कि मैं फर्स्ट आ ही जाऊँगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन था वहाँ पर और सभी अपना अपना बेस्ट दे रहे थे, सबका ही सबने भी मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे सबने अपना बेस्ट ही दिया है वहाँ पे, बट ऐसा था कि मतलब फर्स्ट भी हो गया, सेकंड रनर अप भी हो गया, अब मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो एक अलग ही फीलिंग था। बट जब अनाउंस हुआ मेरा नाम और ऑडियंस में से भी लोग चिल्ला रहे थे, जैसे मेरा कंटेस्टेंट नंबर 8 था तो सर ने जैसे अनाउंस किया कि कौन होगा विनर, तो जैसे काफ़ी लोगों ने नंबर 8 ऐसे चिल्ला रहे थे, तो थोड़ा सा लग रहा था कि मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी, होगा कि नहीं होगा, बट फाइनली जब उन्होंने नाम लिया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हमारी मतलब जो MI क्वीन की फाउंडर है मोनिका मैम, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छी सर्विस हमें प्रोवाइड की, उन्होंने रहना खाना सब अच्छी तरीके से सारी अरेंजमेंट जो थी बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने और बहुत ही फ्रेंडली है वो, उनका पूरा स्टाफ जितना भी था उनकी टीम पूरी मतलब अच्छे से कोऑर्डिनेट कर दी थी उन्होंने हमके सारा, मतलब पूरा एक अच्छा जो होता है ना एक क्या एक जो स्टेज दिया है उन्होंने, ये बहुत अच्छे लेवल का दिया है और उन्होंने सारा फुलफिल किया हमको और आगे हम भी उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ काम करेंगे और अच्छा ही उनके लिए करेंगे। मैम मोनिका जी तो बाय नेचर बहुत ही अच्छी है और मतलब जो भी उन्होंने किया बहुत ही उनका बेस्ट दिया है उन्होंने, मतलब उनकी टीम, उनका जो भी मेकअप आर्टिस्ट, उनके सारा जो भी था उन्होंने सब उनका बेस्ट ही दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और एक मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नागपुर में इवेंट हुआ है, मतलब हमारे फ़ोटोज़ भी बाकी लोग जब देखते थे तो उन्होंने बोला कि ये तू कहाँ गई थी, कहाँ का इवेंट था, ये मुंबई का था, और जब बताया नागपुर में तो बोले इतना अच्छा इवेंट नागपुर में होता है ऐसा, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है कि हम इतने बड़े स्टेज पे हम उनके वजह से जा पाए, उन्होंने हमें इतना अच्छा ये दिया स्टेज और महिमा जी वहाँ पे आई, अमन वर्मा जी होस्ट थे, उन्होंने पूरा एंकरिंग किया शो का, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है और अभी तो मतलब उनके वजह से हम सेलिब्रिटी जैसा ही फील करते हैं। ओह वाओ, इसी ऐसे ही देखिए आप अभी जैसे कि ये सेलिब्रिटी की तरह मीन्स इन्होंने बोला है कि जैसे आज मैं एक मेरा था मेरा फाउंडेशन है उसकी मैं फाउंडर हूँ, तो एक स्कूल में आज हम गए थे तो वहाँ पे जैसे बच्चों को पता चला कि मैं मिसेस इंडिया हूँ तो बच्चे ऑटोग्राफ के लिए इतना भीड़ करे कि मैम प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ चाहिए और मतलब वो एक अलग ही फीलिंग था, इतना मज़ा आया वो सब मतलब ऐसे फील करना एक अलग ही एक था ये कि मतलब बाप रे मैं क्या हूँ और कहाँ पहुँच गई हूँ ऐसे टाइप का, लाइक अ सेलिब्रिटी ना, तो कैसा है ना कि कितना अच्छा लगता है जब ऑटोग्राफ्स एंड कोई सेल्फीज लेता है हमारे साथ, है ना, हम कुछ सेलिब्रिटीज से कम नहीं है ऐसा इनका कहना है, तो ऑब्वियसली मैम ये सेलिब्रिटी से कम होने वाली बात नहीं है, आप
वहाँ तक के पहुँची, यही हमारे सबके लिए और आपके फैमिली के लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आपको मैं अगेन एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट भी ट्राई करना चाहोगी, मीन्स अगर आपको ऐसा मौका मिले नेक्स्ट और तो आप करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मिलता है मौका तो मैं पक्का करूँगी, बट देखते हैं अब बाकी सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बाकी मतलब सब फैमिली और ये, क्योंकि फैमिली फर्स्ट, उसके बाद जो भी है वो तो फैमिली फर्स्ट, फैमिली का सपोर्ट होना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, एंड हस्बैंड का भी सपोर्ट होना उतनी ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो कैसा है ना कि कभी काफ़ी लेडीज़ जो लोग होती है, मैंने देखा है कि वो मीन्स फैमिली सपोर्ट उनको मिल नहीं पाता है, तो उस वजह से काफ़ी लेडीज़ लोग जो है वो अपना वो आगे नहीं बढ़ पाती, उनके अंदर जो गट्स होते हैं वो वहीं पे उनके छुप जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर फैमिली का सपोर्ट रहे तो हम हर एक चीज़ कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, तो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अकेले कितना भी बोलो हम लड़के झगड़ के कर लेंगे, बट जहाँ जाते हैं फिर वहाँ पे वो थोड़ा निगेटिविटी थोड़ा बहुत मतलब वो होता ही, एक लूज हो ही जाता है कॉन्फिडेंस, तो इसलिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर फैमिली सपोर्ट हमको मिल जाए, हमारा हस्बैंड सपोर्ट मिल जाए हमें और हमारा बच्चों का सपोर्ट मिल जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई जीतने से रोक सकता है। कुछ ऐसा ही किस्सा हमारे मैम के साथ में हुआ है, और अगेन मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जो बेटी है तो उनको भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दिलाना चाहूँगी इन फ्यूचर, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप भी उनको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहोगी? अगर उसकी इच्छा है, उसको जो करना है मेरे तरफ से, तो मैं पूरा 100% सपोर्ट करूँगी। अगर उसको जाना है फैशन इंडस्ट्री में या फिर उसको जो भी करना है, मेरे तरफ से 100% मेरा सपोर्ट उसको रहेगा। ओके, तो इंस्पायरिंग चीज़ तो हो गई है हमारे लिए कि ये एक मामा है, एक लड़की, उनको एक बेटी है एक बेटा है, और वो कहती है कि मैं मेरे बच्चों को नहीं रोकना चाहूँगी। तो ऐसी ही चीज़ें बाकियों ने भी बाकी लोगों ने भी ऐसा ही कुछ इनकी तरह सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और बच्चों को प्लीज़ रोकिएगा नहीं, उनके गट्स जो है उनको दबा के नहीं रखिएगा, उनको कहीं ना कहीं खुलने दीजिएगा, ताकि वो अगर देखिए अगर हम बात करी की जाए इनसे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारे साथ बैठे हैं श्वेता जी, तो ये इनके बेटी का सपोर्ट है, इनके हस्बैंड का सपोर्ट है, तो आज अगर ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके बच्चों को भी इन फ्यूचर ये सपोर्ट करेंगे। यस मैम, 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा सपोर्ट उनके लिए मोटिवेशन रहेगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगी तो वो आगे कॉन्फिडेंटली बढ़ पाएंगे। अगर फैमिली जैसा है कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरी मम्मा है मेरे साथ, मेरे पापा है मेरे साथ, मैं कुछ भी करूं उनको पता है कि मेरा बैकबोन है, तो वो कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। अगर मैं उनको अकेले भेजूंगी हर जगह, मतलब वो अगर मेरे से झगड़ के जाते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे वो चीज़। कहीं ना कहीं वो फिर हमारे बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि यार मम्मा ने डांटा था, पापा ने डांटा था, फिर भी मैं आ गई, तो वो उसकी वजह से जहाँ हमें लगता है अगर नीड है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो 100% उनको रोकिए, लेकिन जहाँ हम पूरा सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों को। ओके, तो ऐसी ही मम्मा सब अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही सोचे, हर मम्मा ऐसे ही सोचना चाहिए, ये मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि कैसा है ना कि सोचना, अगर हम सोचते ही रहेंगे तो हम जिंदगी भर सोचते ही रहेंगे। यस, हाँ, तो अगर मैं आपको पूछना चाहूँ तो एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगी कि ये फैशन इंडस्ट्री जो होती है इसमें लेडीज़ का आना काफ़ी टफ और डिफ़िकल्ट होता है, तो और ऊपर से आपको जो फैमिली सपोर्ट मिला है और बच्चों का सपोर्ट मिला है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन इंडस्ट्री मतलब जो फैशन इसमें मैं आई हूँ, मैं इसे फैशन की तरह देखती नहीं हूँ। मैं इसे एक सोशली मतलब जब तक हमारे पास अगर हमारे पास एक टाइटल है या फिर हम किसी चीज़ को जीतते हैं, हम विनर है, तो हम एक मतलब एक विनिंग एटीट्यूड से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुछ सोशली कुछ करना चाहती हूँ तो एक वो रहता है कि नहीं ये मैम के पास ये भी है ये भी है, ये साथ में मतलब विनर भी रह चुकी है, ये सोशल एक्टिविटीज़ भी करती है, ये साइकोलॉजिस्ट भी है, तो एक मैं एक एज अ मोटिवेशन सबके सामने रहूँगी। तो मुझे फैशन से ज़्यादा एक मोटिवेशन बनने में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इसमें आई थी।
मतलब एक है कि सिर्फ फैशन ही नहीं, सिर्फ मटकना, मेकअप करना, ये मेरा नहीं है. मतलब मैं इस तरह की लेडी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ फैशन और सब कपड़े और ये सब चमक धमक में रहूं. इसके साथ मुझे कुछ और भी करना है. जैसे मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो वो सबके लिए भी एक मोटिवेशन रहूँ. अगर मेरे पास कोई आता है काउंसलिंग के लिए, तो वो एक मुझे देखने का उनका जो तरीका है वो एक अलग रहेगा कि नहीं ये मैम इसके साथ ये भी कर सकती, तो मैं उनको मोटिवेशन दे सकती हूँ कि नहीं मैं एक मेरे इसके साथ मेरे करियर के साथ मैं कुछ और भी कर रही हूँ, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो. मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, एक मैं एज अ मोटिवेशन उनके सामने बैठ सकती हूँ. तो वो चीज़ मैंने फोकस करके ही ये इसमें गई थी. मतलब वो पेजेंट मैंने किया है इसीलिए, मैंने एक फैशन के तौर पर नहीं किया ये इसको. तो और आप ये साइकोलॉजिस्ट के साथ ही एक फाउंडेशन मेंबर है, तो आप हमें आपके फाउंडेशन के बारे में भी कुछ बताना चाहोगी? मेरा जगदम्बा महिला फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन है. इसमें हम लोग लेडीज़ काउंसलिंग, लेडीज़ के लिए काउंसलिंग, उनके लिए हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जैसे उनके बच्चों के लिए अगर कुछ हमें मतलब नीड होती है बच्चों की, तो वो सब हम लोग ये इसमें मेरा मतलब इसमें हम प्रोग्राम चलाते हैं. जैसे आज हम लोगों ने बच्चों के लिए घर घर झंडा का आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी स्कूलों को नहीं मिले झंडे. मतलब उन्होंने अप्लाई किया, बच्चों ने पैसे दिए, बट फिर भी वो नहीं हो पाया. तो बच्चे कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए थे कि एक रहता ना बच्चों को कि 15 अगस्त को झंडा चाहिए और स्कूल में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी थी बच्चों में. और आज हम लोगों ने जाके वो नाराज़गी उनकी पूरी मतलब हटाई दी. वो खुश हो गए जब हम लोगों ने उनको झंडे दिए स्कूल में. इवन प्रिंसिपल्स लोग भी काफ़ी खुश हुए कि उन लोग काफ़ी बार NMC के ऑफिस में जाके आए, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, वो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए पैसे लेके, बट फिर भी प्रोवाइड नहीं हो रहे थे उनको झंडे. बट हमारा फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के थ्रू उनको झंडे मिल गए, तो वो लोग काफ़ी खुश थे. तो ऐसे हम बच्चों की खुशी के लिए, उनकी मम्मियों के खुशी के लिए थोड़ा छोटा छोटा एक ऐसे प्रोग्राम्स लेते रहते. तो आपने आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो एकदम स्ट्रॉन्ग रखा था, उसको गिरने नहीं दिया. जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता था, मैं बच्चों को दिमाग में लाती थी कि नहीं मेरे बच्चों के लिए मुझे करना है, मेरे फैमिली के लिए मुझे करना है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया तो मुझे उनके लिए करना है. थैंक यू मैम. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे आप फर्स्ट डिवीज़न में आई हो और आप मिस क्वीन ऑफ द मिसेस क्वीन ऑफ द नेशन आपने जो जीता है खिताब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और आपके फैमिली को भी और आपके हस्बैंड एंड आपके डॉटर्स सन सबको ही अच्छा लग रहा होगा. आपके फ्रेंड सर्कल्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मेरे फ्रेंड सर्कल ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे. मतलब जैसे मैं वहाँ पे थी, कुछ चीज़ें भूल गई, तो कभी हस्बैंड को बताना, कभी फ्रेंड को बताना, तो वो मुझे फ़ोटोज़ भेज के कुछ ज्वेलरी चाहिए, ये चाहिए, कुछ ड्रेस चाहिए, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया. और बाद में मेरा मतलब ये विनर बनने के बाद उन्होंने मतलब मेरा सेलिब्रेशंस किए, मेरे लिए केक बुके सारा मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मेरे घर पर वेलकम किया, तो वो लोग भी बहुत खुश है मेरे लिए. ओके, तो इन्होंने डरकर नहीं डटकर सामना किया है. और कहते हैं ना कि डरकर नहीं डटकर सामना कीजिए, तभी आप अपने हौसले को बुलंद कर पाओगे. और यू हैव टू सक्सेस योर सेल्फ इन योर फ्यूचर एंड इन योर प्रेजेंट. सो आप इन ये तो हमारे इंस्पायरिंग लेडीज़ हो गई है. तो हम ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी कोऑप करते रहिए. और ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप फर्स्ट डिवीज़न लेके हमारी मिसेस ना क्वीन ऑफ द नेशन का खिताब आपने जीता है. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम.